खुद के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन को बिल्ड करने के इस जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लर्निंग को। आज है आपका 26वां दिन आज की चॉइस के लॉन्ग टर्म रिजल्ट पर। जब भी आपके सामने कोई विकल्प प्रस्तुत किया जाए तो अपने आप से पूछें कि 10 सालों में आप कौन सा विकल्प या कौन सा काम करना पसंद करेंगे। अपने आप से यह पूछने का एक सरल अभ्यास है कि आप 10 वर्षों में कौन सा विकल्प लेना पसंद करेंगे। आपको मूर्खता के आगे झुकने से बचने में यह मदद कर सकता है। अपने आप को मूर्ख मत बनाओ, यह शायद हर बार काम नहीं करेगा। भले ही यह हर बार काम ना करे, कम से कम यह आपको कभी कभी विराम देगा। चलिए कल्पना करें कि आप वो वस्तु लेते हैं जिसकी वास्तव में आपको जरूरत नहीं है, लेकिन वो आपको पसंद है, जिससे आपका पैसा बेकार गया। यदि आप अपने पैसे को बचा करके उस वस्तु को लेते जिसकी आपको जरूरत है तो बहुत अच्छी बात होती। इस तकनीक को काम करने के लिए आपको अपनी विफलता का विचार करने की आवश्यकता है। यदि आप किसी भी लालच में आते हैं तो यह आपके दीर्घकालीन प्रगति को बर्बाद कर देगी। उदाहरण के लिए, यदि आप डाइट पर हैं और इस भयानक चॉकलेट, चिप्स और कुकी को खाने के लिए ललचाते हैं, यदि आप अपने आप से कहते हैं कि ये सिर्फ एक बार है, तो जाहिर है कि 10 साल समय सीमा में इसका मतलब नहीं है। और यह सच है कि आज की खाई गई कुकी अगले 10 वर्षों तक आपके आहार को बर्बाद नहीं करेंगे। हालांकि यह इस विशिष्ट कुकी को खाने के बारे में नहीं है, यह उस उदाहरण के बारे में है जो इसे सेट करता है और आपके लक्ष्य के दौरान ध्यान भटकाने का संभावित पैटर्न है जो इस निर्णय को लेने से विकसित हो सकता था। हमें आशा है कि यह लर्निंग आपको बेहद पसंद आई होगी। ऐसे ही ढेर सारी लर्निंग को जानने के लिए और उन लर्निंग को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें अनलॉक इट।